दहेज मुक्त समाज निर्माण में बिहार सरकार की पहल रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। इस पहल ने झारखंड राज्य के गोड्डा के रहने वाले सचिन को इस तरह से आंदोलित किया कि वो कटिहार की निशा से सिर्फ एक नारियल और एक सिक्के के साथ विवाह रचाने पहुंच गए। पड़ोसी राज्य झारखंड से शादी करने आए सचिन का कहना है कि पहले से ही बिहार में दहेज प्रथा पर कानूनी पाबंदी है और वो पतंजलि योगपीठ में नौकरी करने के दौरान कई बार दहेज प्रथा पर बाबा जी के जन जागरण का हिस्सा भी बन चुके हैं, जिससे उन्होंने प्रेरणा लेते हुए दहेज मुक्त शादी करने का फैसला लिया। मैं स्वामी जी से प्रभावित होकर इस कंपनी में आया था और क्योंकि स्वामी जी ने जो नारा दिया था स्वदेशी का, उसको देखते हुए एक भारत की सबसे बड़ी आज के डेट में कंपनी है और उनसे प्रभावित होकर मैं इस स्वदेशी का नारा को लेकर के जो स्वामी जी अलग जगा रहे हैं कि हर घर तक स्वदेशी का प्रोडक्ट पहुँचे, सामान पहुँचे और अच्छा क्वालिटी है, और उसी को देखते हुए मैंने इस कंपनी में ज्वाइन किया था। और उन्होंने जो एक अभियान चलाया था कि दहेज मुक्त भारत हो हमारा, तो उसको देखते हुए मैंने भी कोई डिमांड नहीं किया और ये शादी का बंधन में बनने को तैयार हुआ। इस मौके पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बिहार लेबर पार्टी के संस्थापक हिमराज सिंह ने भी दहेज मुक्त इस शादी की अनोखी शादी बताते हुए आम लोगों से भी शादी में दहेज से दूर रहने की अपील की। विशेष रूप से इस शादी का और भी अट्रैक्शन यही है, विशेष रूप से हम लोग दहेज प्रथा के विरुद्ध सब दिन आंदोलन हम लोग का चला है शिक्षित बेरोजगार संघ का, और आशीष जी का बहन का जो शादी लगा है तो लड़का पक्ष एक रुपया एक नारियल लेकर के शादी कर रहे हैं, इसके लिए हम विशेष रूप से वर को बधाई धन्यवाद तो देते ही हैं, साथ साथ वर वधु को भी आशीर्वाद हम देने के उद्देश्य हम सभी लोग यहाँ आए हुए। गौरतलब है कि देश में औसतन हर एक घंटे में एक महिला दहेज संबंधी कारणों से मौत का शिकार होती है, जिसके खिलाफ सरकार ने कई कठोर कानून भी बनाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।